अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएफ किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गवार और कीमे का सालन। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल गरम होने रख देंगे। तेल अच्छा गरम होने के बाद उसके अंदर हमने 1/2 चम्मच जीरा डाल दिए। जीरा जब तड़कने लग जाए तो उसके अंदर हमने 1 बड़ा साइज का कांदा कट करके डाल दिए। अब उसके अंदर 1 हरी मिर्ची कट करके हम डाल देंगे, नहीं तो आप इसे पीस के भी डाल दीजिए। कांदे को हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, इसे हल्का सा लाल करना है। उसके बाद 1/2 छोटा चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। दोनों चीज़ को अच्छे से हमें तेल में भून लेना है कि अदरक लहसुन का कच्चापन सारा निकल जाए। 1 मिनट के लिए हमने अच्छे से अदरक लहसुन को कांदे में भून लिया। उसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर कट करके डाल देंगे। इसे भी अच्छे से हमें भुनना है और इसका सॉफ्ट होने तक इसे पकाना है। अब इसके अंदर 1/2 चम्मच हम नमक डाल देंगे। नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए हम इसे ढककर 1 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। 1 मिनट बाद लिड ओपन कर देंगे। अभी ये अच्छे से हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और कांदे भी। अभी इसे हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम पाउडर मसाले इसमें डाल देंगे। 1/2 चम्मच हमने हल्दी का पाउडर डाल दिए। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिए। इसके बाद इसमें 1 चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर डाल दिए। अभी सारे मसालों को मिक्स कर लेना और इसे हमें भुनना है। मसाले का कच्चापन निकले तक हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब उसके अंदर हमने 2 चम्मच भरकर दही डाल दिए। कम से कम आप इसमें 50 ग्राम दही डाल दीजिए। दही डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे मसाले में और स्लो फ्लेम पे मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे। अब मसाला अच्छे से हमारा भून चुका है। अब इसके अंदर हम मटन कीमा डाल देंगे। ये हाथ का कीमा है, हमने इसे मोटा मोटा सिर्फ पीसेस करके ले लिए। अभी इसे भी मसाले में अच्छे से हमें भून लेना है। जितना हम मसाला भुनेंगे उतना अच्छा हमारे खाने में टेस्ट आता है। अब कीमे को 1-2 मिनट के लिए मसाले में हमने भून लिए। अब इसे हमें कुकर का लीड लगाकर 1 सीटी हाई पे और 2 सीटी स्लो फ्लेम पे हमें ले लेना है। हमने अब कुकर ठंडा करके ओपन कर लिए। अब हम कीमा चेक कर लेंगे हमारा गला है क्या नहीं। अब हमारा कीमा भी अच्छे से गल चुका है और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है इसे हम हाई फ्लेम करके सारा पानी को सुखा लेंगे। अब इसके अंदर हमने 250 ग्राम गवार को तोड़ के अच्छे से वॉश कर लिए, इसे भी अब इसमें डाल देंगे और वही पानी में हमें इसे पका लेना है। सारा गवार डालने के बाद इसे हम कीमे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी को आप भी सेम तरीके से फॉलो करना, ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है। अभी इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब हमने गवार को अच्छे से कीमे में मिक्स कर लिया। अब कुकर का लीड लगाकर हम इसे हाई फ्लेम पे 2 सीटी ले लेंगे, गवार भी अच्छे से हमारी गल जाए। 2 सीटी लेने के बाद कुकर ठंडा करके हम कुकर को ओपन कर लेंगे। अब हमारा गवार भी गल चुकी है। अभी इसे एक बार फिर मिक्स कर लेंगे और इसका जो सारा पानी है वो सुखा देंगे। अगर आपको इसकी ग्रेवी रखना है तो आप रख सकते हो, नहीं तो इसे आप हाई फ्लेम करके इसका सारा पानी सुखा लीजिए। अब हम इस पे लास्ट में बारीक कट करके हरा धनिया डाल देंगे। अब हरा धनिया डालने के बाद इसे एक बार फिर हम मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमें बस इतना ही पतला चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए और पतला भी नहीं चाहिए। अब हमारी गवार कीमा बनकर रेडी है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम डिश आउट कर लेंगे। ये मैंने आपके साथ सिंपल सी गवार कीमे की रेसिपी शेयर की है। आप भी ज़रूर ये रेसिपी को सेम यही तरीके से ट्राई करना। इसे आप स्टीम राइस और रोटी के साथ सर्व कर सकते हो। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।